हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लास में। कल जब हम लोगों ने एक नया सा चैप्टर स्टार्ट किया था डीसी मोटर के बारे में, तो उसमें हुआ यह कि सिलेबस में थोड़ा सा गड़बड़ी था। डीसी मोटर जो है वो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, तो उनको वहीं पर रहने देते हैं और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्कशॉप टूल्स। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था हैंड टूल्स के बारे में, ये नया टॉपिक है वर्कशॉप टूल्स। ठीक है, तो जानते हैं कि टूल्स, इनका परिचय के बारे में पहले जान लेते हैं कि टूल्स हम लोग के जीवन में क्या उपयोगी है। तो टूल्स जो है ये बहुत उपयोगी है हम लोग के जीवन में। जब कोई काम करते हैं तो टूल्स के बिना कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई भी काम करते हैं तो ये टूल्स बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है जरूरी? ताकि टूल्स जो है हमारे काम को बहुत जल्दी और आसानी बनाता है कि नहीं? ठीक है, तो पहला जो ये हमारा टूल्स है क्या है? रेती, यानी फाइल। रेती, फाइल्स। तो आज देखेंगे रेती के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेती, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं फिगर, ये रेती का फिगर है। तो सबसे पहले इनके पार्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन सा पार्ट क्या नाम का है। तो ये जो देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पतला जैसा भाग, इनको कहते हैं टिप और पॉइंट। ये पतला सा भाग को टिप और पॉइंट नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, उनके बाद आता है ये जो देख रहे थे दांते कटे हुए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दांते कटे हुए हैं, ये वाला भाग को क्या कहते हैं? फेस कहते हैं, फेस। यहां से लेके यहां तक ये जो पतला सा भाग है ये वाला, इनको कहते हैं एज। एज है ये यहाँ पर जो खाली जगह है जहां पे दांते नहीं कटे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? हील। हील कहते हैं ये खाली वाले जगह। और ये जो यहाँ पे घुमा हुआ है कंधे के जैसा, ये क्या है? ये रेती का कंधा ही है, सोल्जर कहते हैं इनको, सोल्जर। और एक होता है टैंग, ये जो हैंडल में जो अंदर तक चला जाता है पतला सा, ये होता है आप लोग का टैंग। ठीक है, ये जो धातु नजर आ रहा है लोहे का है, किसी भी चीज का जो धातु होता है, इनको कहते हैं फेरुल, फेरुल। और ये जो पकड़ने वाला है इसको क्या कहते हैं? हैंडल, जो कि लकड़ी का बना होता है हैंडल। तो ये इनके मुख्य भाग है। अब जानते हैं कि ये जो रेती, इनका काम क्या होता है? काम क्या होता है रेती का? आप लोग सबको रेती का यूज किए हैं तो पता नहीं होगा कि किसी भी धातु के खुरदरे सतह को चिकना करना होता है या उस खुरदरे सतह को काट के हटाना होता है, वो रेती का काम होता है। तो रेती जो है बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, जिनके वर्गीकरण को भी जान लेते हैं। रेती के वर्गीकरण, रेती के वर्गीकरण, तो पहला नंबर जो आता है रेती, वो कौन से प्रकार का आता है? देखा था लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। सेकेंड में आपका आता है अनुप्रस्थ काट के आधार पर, अनुप्रस्थ काट के आधार पर। तीसरा हो गया ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर। लास्ट जो चौथा हो गया कटे दांतों के आधार पर, कटे दांतों के आधार पर। तो इन चार प्रकार के जो है रेती को जो वर्गीकरण में रखा गया है, ताकि देखेंगे हम लोग लंबाई के आधार पे रेती को किस तरह से रखा गया है।
लंबाई के आधार पर हम बात करें तो इसका जो लेंथ है इसको ये यहाँ से स्टार्ट करके हील तक, ये जो हील है यहाँ इतना तक इनकी लेंथ को लिया जाता है, यहाँ से इतना तक ही इनकी लंबाई को मापा जाता है। ये नहीं कि यहाँ से लेके हैंडल तक को माप ले तो ये इनकी लंबाई थी, नहीं, यहाँ से लेके हील तक इनकी लंबाई को मापी जाती है। तो लंबाई के आधार पर देखें तो इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से कितनी होती है वो बनाया जाता है 100 mm से 450 mm तक। कितना तक बनाया जाता है? 100 mm से 450 mm तक बनाया जाता है। इनका जो काम है वो पहले बता चुके हैं, क्या होता है इनका काम, किसी भी धातु के खुरदरे सतह को चिकना करना या काट के हटा देना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही रखेंगे। इनका जो 3 आधार बाकी रहा ये हम लोग कल को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।